दोस्तों, बड़ी दुख के साथ आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि जो राम भद्राचार्य जी थे वो भक्तों के सामने कभी नहीं आ पाए। क्योंकि जब वो जिंदा थे, कहना क्या चाह रहे हैं भैया, सॉरी, जब वो सही थे, स्वस्थ थे, तब वो सिर्फ दूसरों को सलाह दिया करते थे हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ अगर रोज करोगे तो कभी बीमार नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्या करो, रतन जी हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे। पहले क्या बोल, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे, जाके इलाज करो। मशहूर कथावाचक और धर्म गुरु राम भद्राचार्य की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन शायद वही कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते थे, शायद इसलिए बीमार हो गए। बात तो सही है, है ना। लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि राम भद्राचार्य जी अब हमारे बीच नहीं है, बीमार है, हॉस्पिटल में है। क्या बोला तूने? बीमार है, हॉस्पिटल में है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और शायद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। अच्छा यार, एक बार दिखा दो ना कि कैसे हनुमान चालीसा का वो पाठ कर रहे हैं। नीलाम बुद्ध श्यावल कोमलांगम। यार ये कौन सा हनुमान चालीसा है, फिर से दिखाओ, फिर से। सीता समारोपित मामभागम। ओ यार ये कौन सा हनुमान चालीसा है, क्योंकि हनुमान चालीसा हमने भी सुना है यार, पढ़ा भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस देव केहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। मतलब मैंने इस तरह के हनुमान चालीसा सुने थे यार, ऐसे तो हनुमान चालीसा नहीं सुने थे। नीलांबुज श्यावल को। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। ये फिर बीमार होंगे लगता है और भी ज्यादा, है ना। लेकिन यार ये विद्वान आदमी, हो सकता है दूसरा कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, है ना। हो सकता है यार विद्वान आदमी है, या फिर बीमारी के चलते हनुमान चालीसा थोड़ा लचीला हो गया होगा और मुंह से टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा होगा। क्या साबित करना चाहता है तू? शायद मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना, हो सकता है यार। लेकिन यार अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी राम भद्राचार्य जी ठीक नहीं हो रहे हैं तो शायद इनको मंदिर जाना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि वो जो अमित देवगन है ना, जिसको लोग दलाल पत्रकार बोलते हैं, दलाल पत्रकार मोदी मीडिया, ये बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा था कि जो मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अच्छा तो शायद राम भद्राचार्य जी को एक बार मंदिर जाना चाहिए। बात तो सही है, शायद बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन यार शायद राम भद्राचार्य जी मंदिर गए थे तो फिर भी काहे नहीं ठीक हुए, यार बड़ी सोचने वाली बात है, कौन से पाप कर दिए। शर्म करो, भगवान से डरो। लेकिन यार यही राम भद्राचार्य जी थे ना जो कहते थे, मेरे मुलायम कच्छी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम, मेरे मुलायम कच्छी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम। यार लगता है दा उल्टा पड़ गया है, है ना। पता नहीं पिछले कर्म में कौन से पाप किए थे राम भद्राचार्य जी की, एक तो इनकी आंखें चली गई, फिर मेंटली डिस्टर्ब हुए और अब देखो ना बीमार हो गए। यार मैं कितना क्या करूंगा, कितना दुआ करूंगा। चलो मैं दुआ कर रहा हूँ कि यार राम भद्राचार्य जी ठीक हो जाए। चल झूठ। और नहीं अगर ठीक होंगे तो फिर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, नहीं तो मरेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही यार।